स्वागत है आपका टेक्निकल गुरप्रीत चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो SBI का ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म है वो क्या होता है। सपोज आपके पैसे डिडक्ट हो चुके हैं आपके कार से या कहीं पर भी आपने पेमेंट किया है, तो उसके रिलेटेड ही ये फॉर्म फिल किया जाता है। एक तो फॉर्म आता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। मैं आपको ऑफलाइन के बारे में बताता हूँ कि आपको कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें आपने बननी है, ताकि जो आपका जो फॉर्म है आप जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो आपको बताएंगे बैंक वालों को और वो आपके जो पैसे हैं वो रिवर्स कर देंगे। तो क्या होता है डिस्प्यूट फॉर्म? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फॉर्म बनना हमने कहाँ से स्टार्ट करना। ये आपको मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना, या SBI की साइट का जो लिंक होगा वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना ये वाला। डाउनलोड करने के बाद आपने प्रिंट करवा लेना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना। आपने यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर अपने डेट डालनी है, डेट डालने के बाद उसके बाद आपने अपना नाम डालना है, जिसका भी कार्ड है। सपोज अगर किसी और का कार्ड का कटा है तो आपने उसका यहाँ पर जो है नेम डाल देना है। तो जो कार्ड नंबर है जिस कार्ड से आपके पैसे कटे हैं वो आपने यहाँ पर कार्ड नंबर डाल देना है, और फिर बाद में आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो वही कार्ड आपने फ़ोन नंबर डालना जो अटैच हो उस कार्ड नंबर के, जहाँ पर आपको मैसेज आता हो। और उसके बाद ताकि फ़ोन नंबर भी ज़रूरी होता है ताकि आपको वो बैंक वाले कॉन्टेक्ट कर सकें, और सेम ही आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। तो नीचे आते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ डिस्प्यूटेड आइटम्स। तो यहाँ पर क्या करना, आपने ट्रांजैक्शन डेट डालनी है, कौन सी डेट को आपने पैसे आपके डिडक्ट हुए हैं, या आपने ट्रांजैक्शन की है, कहाँ पर आपने की है, किसी शॉप में की है, या ATM से आपके पैसे डिडक्ट हुए हैं, या कोई भी जैसे नेम है या साइट है, तो वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। कितनी अमाउंट है, सपोज करो आपने अमाउंट है जैसे 3000 किया लेकिन आपके ज़्यादा पैसे कटे हैं, तो जैसे 3500 हो गए या 4000 हो गए, तो आपने वहाँ पर डाल देनी है कि मेरे इतने पैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा कटे हैं। वैसे अगर आपके 3-4 यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, 3-4 बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है, तो आपने यहाँ पर उतनी ही डिटेल्स डाल देनी है डेट के साथ, जैसे 17 को कटे हैं या 18-19 को, तो वो आपने सेम यहाँ पर रीज़न के साथ, कोई भी यहाँ पर लोकेशन है या कोई भी साइट है तो वहाँ से आपने यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अगर इनमें से डालने के बाद अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, यानी कि अगर इसका जो कार्ड्स का होता है जो फॉर्म है वो आप अदर्स रीजन के लिए भी यहाँ पर डाल सकते हो, तो इस कार्ड में आप यहाँ पर अपने जो फॉर्म में आप कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपने ब्लॉक करवाना हो कार्ड को, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर मेरा जो कार्ड है वो कब चोरी हुआ या गुम हो गया है, तो आपने यहाँ पर डेट डाल देनी है कितने बजे के आसपास जो अराउंड होता है वो डालना, और आपने FIR की कॉपी भी यहाँ पर अटैच करनी है। फिर एक अदर और रीज़न है यहाँ पर डुप्लीकेट मल्टीपल बिलिंग। सपोज आपने 4000 का पेमेंट किया लेकिन दो बार ही पैसे कट गए हैं, तो यहाँ पर आपने वो डाल देना है बिल नंबर, या दो बारी या तीन बारी, तो वो भी आपने यहाँ पर डाल सकते हो, ताकि ये आप रीज़न दे सकते हो अटैच करने के साथ। मतलब इन सभी जो नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तभी भी आप कर सकते हो अगर आपके पास यहाँ पर कोई रीज़न है, या आपके पास कोई अदर रीज़न भी हो सकता है कैंसिल मेंबरशिप का, या कोई भी है, अगर आपने ज़रूरी नहीं कि आपके ट्रांजेक्शन ही हो, या आपने कोई कंप्लेंट करनी हो, या कुछ भी यहाँ पर कोई चक्कर हो तो आप कैंसिल करना हो मेंबरशिप जैसे, तो वो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म के थ्रू आप बैंक वालों को देंगे, तो वो आपका सारा जो है हेल्प कर सकते हैं। जैसे देखिए रीज़न नंबर 10 है कैश नो डिस्पेंस इन द ATM बट आई वॉज बिल्ड फॉर द अमाउंट 4 रुपीज़। तो मैंने ATM से पैसे निकलवाए हैं 10,000 रुपये, लेकिन वो नहीं हुआ, लेकिन शो कर रहा है कि मेरे 10,000 रुपये कट गए हैं, तो वो आपने 10,000 रुपीज़ यहाँ पर डाल देना है, और वो कॉपी ATM की जो स्लिप निकलती है वो आपने अटैच कर देनी, ताकि नेक्स्ट डे 24 आवर तक का टाइम होता है, तो जो आपके हैं जो पैसे हैं रिवर्स हो जाते हैं उसमें। और बाकी यहाँ पर नीचे आ चुका है कि कितना डिक्लेयर, जो भी अगर आपके पास इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है तो फिर आप यहाँ पर जो है अपना अलग से रीज़न डाल सकते हो कि हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो ये रीज़न है, तो ये नहीं हुआ। और बाकी मेन पर्पस है कि जो डिक्लेरेशन है इसमें ये कंफर्म लिखा हुआ है कि जो आप SBI को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है। कई बार होता है कि लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ पैसे ना भी कटे हो फिर भी वो कंप्लेंट कर देते हैं, तो वो SBI वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। और बाकी यहाँ पर जो लास्ट में है वो अपने प्राइमरी कार्ड होल्डर, जो भी कार्ड का जो ओनर है, जो क्रेडिट डेबिट कार्ड का,
तो उसमें अपने यहाँ पर साइन कर देने हैं, और ये अपने बैंक को जो जहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ पर आपने ये कार्ड आप फॉर्म आपने दे देना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।